नहीं हो रहा है, इनमें से पौधे भी निकल, पौधे तो हैं बट इनमें से जो फूल भी निकल। है ना, ये शो है ना, इतना दुबला इंसान है। हमारे इस वाले रूम में कलर हो गया है, पूरे रूम में हो गया है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी है शाम का टाइम, और शाम के टाइम अभी हम दो बार नहाए हुए हैं, क्योंकि इसलिए नहाए हुए हैं, आज हमारे यहाँ ना मतलब पेंट हो रहा है, तो हम पेंट लेने बाजार में गए हुए थे, और ऊपर एक बायर दिखी जो कि उसके ऊपर लगातार लाइन से दो या तीन पक्षी से बैठे हुए थे, और दो पक्षियों का तो इतना तगड़ा वाला प्रेशर बना, क्या बताऊँ भाई साहब, उन्होंने तो मेरे एक सिर के ऊपर और एक टी शर्ट के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि ये देखो अभी भी पेंट सा लगा हुआ है इनके पॉटी का, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था, पूरे एकदम गोल सा बना दिया था सिर के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, बट मेरे पे रहा नहीं गया, मैं घर पे आके नहा लिया, और इस टाइम मुझे अभी बहुत ठंड लग रही है, मैं छत पे आया हूँ, थोड़ा बहुत धूप वगैरह हो रही थी तो वो भी चली गई, 5 बजे का टाइम हो गया ना तो वो भी चली गई, पर कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो बाल वगैरह तो सूख गए हैं, थोड़े बहुत गीले रह गए हैं बट सूख जाएंगे, और अभी हमारे घर में पूरी में कलर कलर हो रहा है, और कलर हो रहा है ना, तो इस चक्कर में कल ब्लॉग नहीं बना पाया था, कोई कल भी कलर हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले जो पीछे दिख रहा है ना, जो ऊपर इसके ऊपर हमने पेड़ लगाए हुए थे, पेड़ इसके ऊपर नहीं लगाए थे, लगाए हुए थे हमने वैसे नीचे, इसके ऊपर रख दिए थे, और जैसे आपको पीछे दिख रहे हैं ये दोनों पेड़, इनके ऊपर ना फूल निकल आए हैं जो कि हमने अपने हाथों से लगाए थे, ना देख के विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई साहब ये इतनी जल्दी बड़े हो गए और इनमें से फूल निकल आया, हालांकि पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, देख के तो कितना मस्त लग रहा है ये पेड़, ऐसे कि विश्वास नहीं हो रहा है, इनमें से पौधे भी निकल, पौधे तो हैं बट इनमें से ये फूल भी निकलेंगे, इतने प्यारे प्यारे, देखो इनका कलर ही अलग है, कलर वैसे ये तो आपने हर किसी ने देखे होंगे जो वाले फूल वगैरह, बट ऐसे मतलब अपने हाथ से ये पेड़ वगैरह लगाना और उसको बड़े होते हुए देखना तो कितना अच्छा लगता है, ऐसे ही आप भी लगाया करो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हम बाहर खड़े हुए थे, और जो वैभव है जो कि ये कुछ कहना चाहता है, बता क्या कहना चाहता है। है ना, ये शो है ना, इतना दुबला इंसान है, ये लोग दिख रहे हैं भैया ने, अच्छा हाँ, ये पीछे ये प्रांस उठानी करके हमारी रुक लेते हैं, वो मेरे को है, और है ना, और है ना, ये मेरे है ना, ये रहा, ये उसको दिखाओ पहले, ये देखो ये क्या करने लगा है, हाथ जल जाएगा तेरा फुलझड़ी, अरे मेरे को मेरी बात बयान दो, अंदर आया, अंदर आया कि इसकी बात सुन दे पहले पूरी, क्या बात है क्या नहीं, तो भाई ऐसा जाके कुछ जिसका काम हुआ है मतलब, अब पता है मैं इसको इतनी सारी चीज देता हूं, मैं कुछ नहीं देता, अब मैं कुछ दिन फ्री हो जाऊंगा ना तो आपको पूरी इसकी बात सुनाऊंगा, इसके बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको एक दिन बैठ के सारी सुनाऊंगा। अभी ताशी वहां पर सो रही थी अकेले, और अभी उठ के एकदम पढ़ने लगी, जो कि ये देखो अभी इसकी ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली है ना, और वैसे आज ये नहाई नहीं है, इसके बाल देखो कितने खराब हो रहे हैं, आज ये नहाई नहीं है ना इस चक्कर में, इसका मुंह देखो अभी सो के उठ गया तो कैसे हो रहा है, स्माइल तो कर दे, हाय तो कर दे, हाय, इसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है सोने के बाद। अभी हमारे इस वाले रूम में कलर हो गया है, पूरे रूम में हो गया है, और अभी मैं कैप लगा के फिर रहा हूँ पूरे रूम में, क्योंकि अभी बालों पे कलर चलाया ना तो बाल सारे बेकार हो जाएंगे, और मतलब बाल रूखे रूखे हो जाते हैं कलरों के बाद, तो बाल है ना टूटने लगते हैं जो भी सिर में कलर चलाया तो, और अभी ताशी तो देखो आज ये ताशी की शाम के टाइम नहाई हुई है, तो पूरे घर में मतलब पूरे घर में सामान बिखरा हुआ है हमारे में, और कहीं भी कुछ भी वैसे इसमें तो पूरे में कलर हो गया है, ये फाइनली रेडी हो गया है, और अंदर वाले में कलर हो रहा है जो कि लगे हुए हैं सब लोग करने के लिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और इसकी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है जो कि देखो पूरा रूम गंदा हुआ पड़ा है, अभी जिसमें भी कलर हो जाएगा तो ये भी मस्त लगेगा, सारी अलमारी वगैरह खाली कर दी है, जो ऊपर देखो ऊपर अभी पेंट हुआ है, पंखा हमारा भी गंदा है, पंखा भी साफ करना पड़ेगा, अभी रात भर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा ये वाला भी रूम, गाइस फाइनली अब जाके ये वाले रूम में पूरे में पेंट हो गया है, और जो चीज़ यहाँ पे थी वहाँ पे ही रख दी है, और जैसे कि ये वाली अलमारी है ना जो एक्वेरियम वाली, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, क्योंकि इसे छेड़ देना तो एक्वेरियम टूटने का डर रहता है, और खाली करते तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वैसे ये खाली कर देते तो पिछली बार इन्होंने ना अपनी पीठ पर जो कि डर गई थी बहुत ज़्यादा, तो पत्थरों से पूरी बैग छील ली थी, तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, इस चक्कर में इनका एक्वेरियम नहीं हटाया, बट ठीक है, बट अभी तो वो बहुत सेफ फील कर रही है ना, क्योंकि जो एक आध दिन में जब अपनी जगह होती है ना उधर ही रहती है, वो पहचान जाती है, तो इस चक्कर में सेफ फील कर रही है। और गाइस अभी शाम का टाइम हो गया, अभी तो बहुत नींद आ रही है, जो कि 2 बजे का टाइम हो गया रात के, तो गाइस आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, तो जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय फ्रेंड।